तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माओ माओ एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मामा और जिंसी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। सी यहाँ पर अपना मुंह लटका के बैठा होता है तो मामा सोचती है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों बैठा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है इसे क्या? इस तरह से तो इसका करेक्टर नहीं है, कभी इस तरह से वो बैठा नहीं है। फिर यहाँ पर जो जिंसी होता है वो धीमी आवाज में कहता है कि मुझे जो है तुमसे कुछ बताना है। तो वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि एक मेटल वर्कर जो था वो अब यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहा, और वो जो मेटल वर्कर था उसके पास काम करने की एक सीक्रेट टेक्निक थी और उसने जो है वो टेक्निक किसी को बताई भी नहीं और वैसे ही वो मर के चला गया ऊपर। अब ये जो सीक्रेट टेक्निक है वो यहाँ पर जानना चाहता हूँ मैं। तो मामा सोचती है कि अच्छा तो ये सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात है। तो यहाँ पर जिंसी कहता है ये इतना भी सिंपल नहीं है जानना, वैसे तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो इस क्वेस को सोल्व करने के लिए। मामा यहाँ पर कहती है कि हाँ अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही हूँ? तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है यही। फिर वो कहता है कि उसके जो है बच्चे हैं उनको भी वो ये सीक्रेट टेक्निक बता कर नहीं गया, वो जो है इमरते वक्त यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके गया था अपने बच्चों के साथ। जब से बड़ा बच्चा था उसको जो है वो यहाँ पर एक जगह को देकर गया था, जो उसे छोटा था उसको एक बॉक्स देकर गया, और जो सबसे ज़्यादा छोटा था उसे जो है यहाँ पर एक डिस्क देकर गया यानी कि फिश बॉल देकर गया, और लास्ट में ये भी एक नोट छोड़ कर गया था कि यहाँ पर तुम्हें जो है टी पार्टी करनी है सभी के साथ मिलकर, पुराने जमाने वाली टी टाइम। यहाँ पर मामा कहती है कि टी पार्टी करनी है पुराने जमाने वाली, क्या इससे कुछ वो बताना चाहता था? पुराने जमाने की टी पार्टी और इस जमाने की टी पार्टी में ज्यादा कुछ अंतर तो नहीं है, या फिर उस टी पार्टी का मतलब कुछ और है? क्या उसके डैड कुछ और बताना चाहते थे? यहाँ पर वो कहता है जिनसे कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। यहाँ मामा कहती है कि मुझे लगता है कि जो गिफ्ट उन्हें दिया गया था वो बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस है, क्योंकि सभी बड़े लड़के को यहाँ पर उसने पूरा घर दे दिया, फिर एक को बॉक्स दिया, एक को इसने फिश बोल दिया, इसलिए यह बैलेंस नहीं है। अगर वो इसे बेचना भी चाहें तो उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलेंगे, जो सबसे छोटा लड़का है उसे तो सबसे कम पैसे मिलेंगे। बट ये आइटम जो है बहुत ही अजीब है, मुझे जो है इनके जाकर डिटेल्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर जो लाखन ने चिट्ठी दी थी यहाँ पर जिंसी को, वो जिंसी ने यहाँ पर मामाओं को दे दिया, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है और यहाँ पर सामान के बारे में भी लिखा है जो वो अपने बच्चों को देकर गया था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मुझे जो है जानना है कि वो जगह कहाँ है और मैं जो हूँ कल जाना चाहती हूँ उस जगह पर। मामाओं को समझ में आ जाता है कि अब उसे बहुत ही ज्यादा काम करना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सुबह सुबह आ जाती है, जाने के लिए वो तैयार है, और इसके साथ जो जाने वाला है वो बेसन होता है। बेसन पिछले एपिसोड में भी इसके साथ ही गया था और इस बार भी वो ही इसके साथ जाने वाला है, और बेसन का रूल तो यही है कि वो जो है मामाओं सिर्फ इसे फॉलो करेगी और बिना इसके परमिशन से वो कुछ भी नहीं करेगी। गाड़ी में बैठने के बाद बासन यही कहता है मामाओं से, बट मामाओं सोचती है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ ये जो कहता है वो मान लेती हूँ, वैसे भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मामा जाते वक्त देखती है कि दीवार के अंदर कुछ रखा हुआ है, वो बहुत ही ध्यान से उसे देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो सबसे छोटा वाला लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि वो जो है मेरे फादर का है, वो जो है बहुत ही अजीब अजीब चीजों को इकट्ठा करते थे। फिर वो लोग अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं। बासन कहता है कि हमें उस वर्कशॉप में जाना है तो तुम हमें वहाँ ले चलो। तो वो सबसे छोटा लड़का यहाँ पर उन्हें ले आता है, अपने भाइयों को कहता है कि मैं गेस्ट लेकर आ चुका हूँ। उसके भाई कहते हैं बेसन और मामाओं को कि थैंक यू तुम लोग यहाँ पर आ गए हो। अब जो मामा होती है इनके चेहरे को देखकर पहचानने लग जाती है कि इनमें से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा और कौन सबसे
ज़्यादा छोटा होगा, और फिर वो इसके अंदर आ जाती है और चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर टेबल कुछ अलग ही तरीके से रखा होता है। वो कहती है इसके बावजूद भी ये जगह बहुत ही अच्छा है, और फिर वो जाकर विंडो को देखती है। वो देखती है कि ये विंडो भी बहुत ही अलग तरीके से लगाया हुआ है। वो उस टेबल पर रखे एक बक्से को भी देखती है। बक्से के कोने में मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं। वो देखती है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम किया गया है मेटल्स के द्वारा। वो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे की भी लगे हुए हैं, यानी ताले भी लगे हुए हैं उन्हें खोलने के लिए। यहाँ पर वो कहती है एक सेंटर में लगा हुआ है और यहाँ बोल्ट भी लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भाई आ जाता है और कहता है कि ये बक्सा मेरे लिए मेरे पिताजी छोड़ कर गए हैं, तो तुम इसे दूर से देख सकती हो बट टच नहीं कर सकती। मामा कहती है ठीक है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर सेकंड लड़के को फर्नीचर दिए गए हैं, तो ये जो है बहुत सारे फर्नीचर यहाँ पर रखे गए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फिर से देखने लग जाती है कि यहाँ पर जो फर्नीचर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और ये जगह भी बहुत ही अच्छी है। वो देखती है कि ये सबसे बड़ा लड़का होगा और इसे ही यही जगह मिली होगी। फिर वो देखती है यहाँ पर एक खिड़की लगा होता है और वो खिड़की को देख कर कहती है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, ये जो है यहाँ पर क्यों रखा गया है, और ये कुछ ज़्यादा ही लंबी खिड़की है। फिर वो देखती है कि बाहर एक पेड़ लगा हुआ है जिससे सूरज की रोशनी उसके अंदर आ रही होती है, और जो सूरज की रोशनी होती है इस पेड़ के जो टहनियाँ होती है उनसे टकरा कर अंदर आ रही होती है। इसका मतलब सूरज की रोशनी यहाँ पर फिल्टर होकर अंदर आती है। फिर वो देखती है कि यहाँ पर जो विंडो है उसके बिल्कुल साइड में एक टेबल रखा हुआ है और उस टेबल पर एक निशान है, तो वो सोचती है कि यहाँ पर कुछ रखा गया होगा, अब किसी ने हटा लिया होगा इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। जो सबसे छोटे वाला लड़का होता है वो अपने भाइयों को कहता है कि ये लोग जानना चाहते हैं कि हमारे फादर हमारे लिए क्या देकर गए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा लड़का कहता है कि तुम लोगों को पता ही होगा हमारे पिताजी जो हैं वो अपनी सीक्रेट टेक्निक हमें बताकर नहीं गए हैं, और मैं उनका बड़ा लड़का हूँ, मुझे तो ये घर देकर चले गए हैं इस जगह को। और यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला लड़का होता है वो कहता है मुझे ये ड्रॉवर देकर गए हैं, और जो थर्ड नंबर वाला यानी सबसे छोटा होता है वो कहता है कि मुझे ये फिश वाला जो है जार देकर गए हैं। फिर हम देखते हैं कि मामाओं उस जार को देखती है और सोचती है कि ये तो ग्लास का बना हुआ है, इसका मतलब ये एक्सपेंसिव होगा। फिर वो सोचने लग जाती है कि अक्सर तो जार को यहाँ पर बनाया जाता है किसी वुड से या फिर सेरेमिक से, लगता है ग्लास से इसलिए बनाया होगा क्योंकि इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। तभी सेकंड नंबर वाला लड़का बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़ी होकर क्या सोच रही हो, ये जो ड्रॉवर है मुझे दिया है मेरे डैड ने, बट इसके पास जो की है की होल उसके अंदर मैं अपना की डालता हूँ तो ये ड्रॉवर खुलता ही नहीं है, पता नहीं ये किस काम का है, मेरे तो किसी काम नहीं आ रहा है, अगर मैं जबरदस्ती इसे खोलता हूँ तो जो अंदर का सामान है वो खराब हो जाएगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये डैड मुझे देकर क्यों गए हैं, क्योंकि जिस चाबी को उन्होंने दिया है उस चाबी से तो ये खुलने वाला है ही नहीं, हमारे डैड बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। तभी छोटे वाला लड़का कहता है कि नहीं ऐसे तुम गलत सोच रहे हो, डैड हमारे अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में। तो यहाँ पर उसका दूसरा भाई कहता है कि क्या अच्छा सोचते हैं, तुम अपने सामान को आसानी से बेच सकते हो बट हम दोनों अपने सामान को कैसे बेचेंगे, हम तो उसे बेच नहीं सकते ना, मुझे लगता है कि डैड जो है वो सही से हमें बताकर नहीं गए। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर वाला लड़का कहता है कि हाँ वो कह रहे थे कि टी पार्टी भी करना है, अब वो सब इतना खराब सामान देकर गए हैं अब टी पार्टी भी वो चाहते हैं। तभी हम देखते हैं उन तीनों की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए गेस्ट के सामने, जो तुम्हारे पिता थे वो कभी नहीं चाहते कि तुम इस तरह से बिहेव करो, वो हमेशा तुम लोगों के बारे में ही फिक्र कर रहे थे, वो अपने आखिरी समय में भी तुम्हारे लोगों के बारे में ही सोच रहे थे। यहाँ जो मामा होती है वो कोने में खड़े होकर सोचती है कि शायद सही बोल रहे हैं कि हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम सभी को टेबल पर चाय दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ मामा सोचने लग जाती है कि सभी लोग बैठे हुए हैं बट ये खिड़की के पास कोई भी नहीं आया हुआ है, लगता है कि यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बड़ा दिमाग लगाकर किया गया है ताकि कोई विंडो के पास बैठे नहीं और वहाँ की सनलाइट रुके नहीं।
हो सकता है जो खिड़की के सामने बैठे उसे कुछ डैमेज हो सकता है, इसीलिए शायद ऐसे बैठाया गया है। अब डैमेज की बात वह सुन के एकदम से खड़ी हो जाती है और वो खिड़की के पास चली जाती है, फिर उस ड्रॉअर के पास जाती है। वो देखती है कि जो की होल है उसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। फिर यहाँ पर जो बेसन होता है वो आता है और कहता है कि कुछ तुमने ढूंढा है क्या? तो यहाँ पर जो मामा है उसे बड़े ध्यान से देखती है और सोचती है कि ये तो गाउसू की तरह लग रहा है, बहुत ही फैमिलियर उसकी जैसे शक्ल है इसकी। अब यहाँ पे जो मामा होती है वो उस लड़के से पूछती है जो सेकंड नंबर वाला है जिसका ये ड्रोअर है, कि तुमने इसे ओपन करने का ट्राई किया है ना? तो वो कहता है कि हाँ मैंने इसे ओपन करने का ट्राई किया बट ये ओपन नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पास एक ही ये चाबी है? तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास ये एक ही चाबी है और साथ में डैड ने मुझे कहा था कि इसे जो है ज़बरदस्ती नहीं खोलना है, क्योंकि अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर तो अंदर का सामान वो खराब हो जाएगा। फिर यहाँ मामा जो होती है वो सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि उसके डैड जो है कुछ ना कुछ सभी को देकर गए हैं, किसी को जगह, किसी को यहाँ पर ड्रोवर और किसी को यहाँ पर मछली रखने वाला जार। बट यहाँ पर जो ड्रोवर है वो खुल क्यों नहीं रहा है उस चाबी से? क्योंकि वो इकलौता चाबी है तो खुल जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर उसे रियलाइज होता है और वो जो है सबसे छोटे वाले लड़के के पास जाती है और कहती है कि क्या ये फिश बॉल जो है यहीं पर रखा जाता है खिड़की के पास? तो वो कहता है कि हाँ इसे यहीं पर रखा जाता है। फिर उस छोटा लड़का जो है उसे उठाकर वहीं पर रख देता है और वो कहता है कि यहीं से पे इसके बहुत सालों से रखा गया था और इसमें गोल्डन फिश भी रखी जाती है बट वो अभी हमारे पास नहीं है। मामा उसमें पानी डालने के लिए चली जाती है और पानी डालने लग जाती है। अब उसमें पानी डालने के बाद एक बहुत ही रोशनी सी चीज बाहर आती है, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी उससे टकराकर बाहर एक लाइन बन जाती है और सीधी वो रोशनी जो है वहां ड्रोवर के की होल पर जाकर लगती है और वहां से जो सामान अटका होता है वो यहीं पर जल जाता है। तो यहां पर उसने एक केस को सॉल्व कर लिया है। अब फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि बहुत ही अजीब स्मेल इसके अंदर से आ रही है। वो कहती है कि अगर तुम अब ट्राई करोगे चाबी लगाकर तो शायद इसे खोल सकते हैं। अब जो सेकंड नंबर वाला लड़का होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर मैं चाबी डालता हूँ बट ये खुलता ही नहीं है, तो तुम कैसे कह रही हो खुलेगा? फिर वो कहती है एक बार ट्राई तो करो। फिर वो जब ट्राई करता है तो वो खुल जाता है। फिर यहाँ पर मामा कहती है कि मैं मेटल वर्क के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ बट मुझे लगता है कि तुम्हारे जो फादर थे वो डिप्रेशन के साथ जूझ रहे थे। सबसे छोटे वाला लड़का कहता है कि हाँ आपने सही कहा। अब यहाँ पर जो मेटल शॉप में काम करता है उसे अजीब अजीब सी तकलीफें हो सकती हैं, क्योंकि मेटल जब जलता है तो उससे जो है धुआं निकलता है और उस धुआं को सूंघ लो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, इसीलिए मामा ये बता देती है उसे। और ड्रॉअर को खोलने के बाद एक और मोल्ड उसके अंदर मिलता है। उस मोल्ड के अंदर एक चाबी जो अभी अभी बन के तैयार हुई है वो होती है। वो उसे निकालती है और फिर दो और तिजोरी जो वहां पर होते हैं बक्से उसके अंदर से वो खोलने स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर ये मोल्ड उस बड़े वाले बीच वाले डब्बे के अंदर रखा गया था, उसके अलावा दो डब्बे और भी हैं। जब उन्हें वो खोलती है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे मेटल रखे होते हैं, तीन अलग अलग तरीके के मेटल होते हैं। उनको देखकर मामा सोचती है कि ये जो क्रिस्टल है ये एंट्रेंस पे मैंने देखा था, इसी तरह का वो दिखने वाला क्रिस्टल था। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला लड़का होता है वो सोचता है कि डैड हमारे साथ मजाक कर रहे थे क्या, ये क्या रख के गए हैं? यहाँ पर जो मामा होती है वो सोचती है कि मैं भी अपने डैड की बहुत ही ज्यादा कॉपी करा करती थी, जब भी वो दवाई बनाते थे तो मैं भी उसे कॉपी किया करती थी और कॉपी करने के बाद वो दवाई पॉइजन में बदल जाती थी, इसीलिए सही से कॉपी करना चाहिए। जो सबसे छोटा वाला लड़का था उस मेडल को उठाकर देखने लग जाता है और मामा यहाँ पर सोचने लग जाती है कि लगता है कि ये तीन अलग अलग मेडल इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि ये लोग चौथा मेडल बना सके इन तीनों को मिलाकर। शायद इसी काम से उसके डैड ने ये तीनों मेडल इस बक्से के अंदर रखा है। यहाँ पर मामा जो होती है वो सोचती है कि जो यहाँ पर जितने भी मेटल रखे गए हुए हैं वो बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर रखे गए हुए हैं। वैसे ये जो फिश बॉल बना हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, सूरज की रोशनी के आने के बाद है, उसके बाद वो जो है चीजों को फिल्टर करता है और रोशनी बाहर निकलता है जिसकी वजह से वो की लोग जो है वो आराम से खुल गया। उसके डैड बहुत ही प्रेसाइज वे में काम किया करते थे और बहुत ही अच्छे रेशों में मात्रा में ये मेटल डाला करते थे ताकि एक सही मेटल तैयार हो सके। मेटल के कंपोजिशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें अलग अलग कार्बन कंटेंट होते हैं। अगर आप जो है साइंस में पढ़ रहे हो या फिर आपने मैकेनिकल किया है तो आप इजीली समझ जाओगे।
बट यहाँ पर आप जो है ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें अगर आपको समझ में नहीं आता है। बट यहाँ पर जो उसके तीनों बच्चे होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि डैड हमारे साथ प्रैंक कर रहे थे। बट उनका छोटा जो भाई होता है वो कहता है कि नहीं, डैड ये हमेशा चाहते थे कि हम लोग जो है मिलकर ये काम करें, यानी मिलकर जो वो काम करते थे उसे करवाना वो चाहते थे। बट उसके दोनों भाई कहते हैं कि नहीं, हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, ये किस तरह का जोक तुम मार रहे हो। और यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला भाई होता है वो कहता है कि तुम हमसे डिफरेंट हो क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है, हमारे पास नहीं है, तुम डैड के साथ काम करते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। बट यहाँ पर वो कहता है सबसे छोटे वाला कि नहीं, ये बिल्कुल बेकार है जो तुम बात कर रहे हो, डैड हमेशा हम सब पे ट्रस्ट किया करते थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जो हमारा सबसे वाला बड़ा वाला भाई है वो जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन वो ले सकता है और वो कैलकुलेशन करने में बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही कम मिस्टेक करता है। और बड़े भाई सेकंड नंबर पे जो होता है उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम पीपल्स के साथ बहुत ही आसानी से रिलेशन बना लेते हो, यानी कि तुम डीलिंग करने में बहुत ही अच्छे हो। वो जो हमारे डैड थे वो हमेशा सबको इक्वल ट्रीट किया करते थे हम तीनों को। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा यहाँ से जा रही होती है। फिर जाते हुए यहाँ पर वो कहती है सबसे छोटे वाले लड़के को कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम जो हो मेरे शहर में चले जाना, और वो जो है उसी कोठे का एड्रेस उसे दे देती है। और वो कहती है कि वहाँ जाओगे तो एक लड़की है, उसके वो बहुत ही अच्छी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, बट वहाँ जाने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। और फिर वो उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंसी अपना काम कर रहा होता है, बट यहाँ लाकन उसके पास आकर बैठ जाता है और वो अपने आप से ही बोलने लग जाता है कि बहुत ही अच्छा है, जो उसका यंगेस्ट सन है ना उसको बहुत ही अच्छी स्किल है, वो फादर की दी गई हर एक शिक्षा को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है उसकी स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो आने वाले समय में अपने फादर की तरह ही अच्छा एक मेटल वर्कर बनेगा और वो जो है बहुत ही ज़्यादा नाम कमाएगा। पर पता नहीं उन्होंने अब ये स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़े वाला भाई है वो चीज़ों को रिकॉर्ड करने में काम आता है, साथ में कैलकुलेशन करने में, और जो सेकेंड नंबर वाला है वो क्लाइंट्स का ध्यान रखता है, अलग अलग क्लाइंट्स को लेकर आता है, और जो थर्ड नंबर वाला है वो मेटल वर्क करता है। तीनों जो है किसी ना किसी एंगल से फैमिली को सपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर जो जिंसी होता है वो उसे देखकर सोचता है कि इसे लगता है पता नहीं है कि मामा वहाँ पर गई थी और चुपके से जो काम है वो करके आ गई थी। यहाँ पर वो कहता है जो जिंसी होता है उससे कि क्या मैं तुम्हारे उस स्टोरी को जानना चाहता हूँ, वो वैसा वाली स्टोरी जो तुम बता रहे थे। यहाँ पर जो लाखन होता है वो कहता है कि अगर मैं उसको पूरी स्टोरी तुम्हें बता दूँ तो उनकी जो वैल्यू होगी वो गिर जाएगी और तुम्हें जो है थोड़ी इंजरी भी हो सकती है। वैसे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे साथ मेड काम करती है वो तुम मुझे दे दो। अब यहाँ पता नहीं वो ओल्ड लेडी की बात कर रहा है या मामाओं की बात कर रहा है। फिर वो ऐसा बोलने के बाद यहाँ से बाय करके चला जाता है और कहता है कल मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंसी होता है मामा को बुलाता है और पूछता है तुम्हें मेकअप करना आता है। मामा कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरा मेकअप कर सकती हो, और अगर तुम एपिसोड में आगे तक आ चुके हो और यहाँ तक तुम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट प्लीज़ मेरा कर देना। अगर अगला एपिसोड देखना है तो बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।